بسم الله الرحمن الرحيم. दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप हमें बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि बेशक अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा करने से पहले मेरा नूर अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया, और फिर मेरा नूर मशीयत इलाही के मुताबिक जहाँ चाहता वहाँ सैर करता रहा। उस वक्त ना लौह था, ना कलम था, ना जन्नत थी, ना दोजख था, ना आसमान था, ना ज़मीन था, ना सूरज थे, ना तारे थे, ना कोई फरिश्ता और ना ही कोई जिन था और ना ही कोई इंसान था। और फिर जब अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया कि मखलूकात को पैदा किया जाए, तो उस नूर को अल्लाह ताला ने चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। अल्लाह ताला ने नूर के पहले हिस्से से कलम को पैदा किया, दूसरे हिस्से से लौह को पैदा किया, और तीसरे हिस्से से अर्श को पैदा किया, जबकि चौथे हिस्से को फिर मजीद चार हिस्सों में तकसीम किया, और उसके पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया, दूसरे हिस्से से आपने कुर्सी को पैदा फरमाया, और तीसरे हिस्से से बाकी तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया, जबकि चौथे हिस्से को अल्लाह ताला ने मजीद चार हिस्सों में तकसीम फरमाया, और उसके पहले हिस्से से अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा फरमाया, और उसके दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा फरमाया, और उसके तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया, और उसके चौथे हिस्से से अल्लाह ताला ने दोज़ख को तख्लीक फरमाया। और दोस्तों, इस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने ख़ुद ही नूर मुहम्मदी से हर शय को तख्लीक फरमाने की वजह भी बयान फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर मुहम्मद को पैदा ना करता तो ना आदम को पैदा करता और ना ही इस ज़मीन व आसमान को पैदा करता। और दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि आपको नबूवत कब अता फरमाई गई थी। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि उस वक्त जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जस्द के दरमियान में थे, यानी उनके तन में अभी तक जान नहीं परी गई थी। और दोस्तों, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, यानी 14,000 बरस पहले, उस परवरदिगार के यहाँ एक नूर था। और दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था, तो आपको आपके नाम के साथ अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कुनियत से बुलाया। तो हज़रत आदम अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरी कुनियत अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ आदम, अपना सर ऊपर उठाओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ऊपर देखा तो अर्श पर नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जलवागर था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर से अर्ज़ करने लगे कि या बारी ताला, ये किसका नूर है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नूर है, ये तेरी औलाद में से होंगे और इनका नाम आसमानों में अहमद और ज़मीन पर मुहम्मद है, और अगर मैं इसे पैदा ना करता तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता और इस ज़मीन व आसमान को भी पैदा ना फरमाता। और दोस्तों, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब पैदा फरमाने का इरादा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐसी मिट्टी मेरे पास लाओ जो कि मेरे महबूब के जिस्म अतहर की तख्लीक के लायक हो। तो हज़रत जबरील अमीन 3 दफ़ा ज़मीन पर आए, 3 दफ़ा आप मिट्टी लेकर अल्लाह ताला के पास हाजिर हुए, लेकिन तीनों मरतबा अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को ठुकरा दिया, यानी ये कहकर कि ये मेरे महबूब के लायक नहीं है। और फिर हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम यसरब की पाक सरज़मीन पर उतरे, वहाँ से आपको सफ़ेद मिट्टी मिली और वो मिट्टी लेकर आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। और दोस्तों, फिर उस मिट्टी को अमरे खुदाबंदी से तस्नीम के पानी से गूँधा गया, जन्नत की नहरों में धोया गया, और अल्लाह ताला ने वो नूर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 14,000 साल पहले और ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले पैदा फरमाया था, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक, रोज़ा मुबारक की सफ़ेद मिट्टी में रख कर उसको लोहो कलम, अर्श कुर्सी और ज़मीन व आसमान हर जगह फिराया गया, ताकि हर शय अल्लाह के महबूब के शर्फ और फजल को पहचान ले। और दोस्तों, जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नूर अनवर हज़रत आमिना के बतन में दाखिल हुआ, तो जुम्मे का दिन था
और उस रात दोजख को बंद कर दिया गया और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए। ठंडी हवाएं जमीन पर चला दी गईं और एक मनादी ने पूरी कायनात में निदा दी कि सब गवाह हो जाओ कि छुपा हुआ नूर अपनी वालिदा के बतन में आ चुका है। सुभान अल्लाह दोस्तों, रबीउल अव्वल मोहब्बत का महीना है। अल्लाह पाक हमें इस महीने की फैज़ो बरकात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।